जय शनिदेव, प्रिय भक्तगणों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो व्यक्ति लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, वो बहुत आसानी से किस प्रकार लोन की पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को फिर से धनवान बना सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय किस प्रकार से आपके जीवन का कायाकल्प कर देते हैं, उस सब की चर्चा करूंगा। उस सब के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव, प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर। प्रिय भक्तगणों, आज है 26 जून सन 2021, शनिवार का दिन है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, विक्रम संवत है 2078। परम पिता परमात्मा आज जो आपके लिए अपने द्वार खोल कर रखने वाले हैं, वो समय रहेगा सुबह अर्ली मॉर्निंग में 12:04 से लेकर 1:31 तक परम पिता परमात्मा के द्वार आप सभी के लिए खुले रहेंगे। संभव हो तो परम पिता परमात्मा को श्री चरणों को ही ध्यान कर लेना इस समय पर। और जो लोग आज के लिए कोई शुभ मुहूर्त तलाश रहे हैं, उनके लिए जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, वो 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा। साथ ही साथ जो लोग जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि करते हैं, उनके लिए जो समय रहने वाला है वो रहेगा 8:55 से लेकर 10:29 तक, या फिर दोपहर में 2:09 से लेकर 3:53 तक ये समय रहेगा। इस समय विशेष पर आप जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। जब भी आपके हाथ उठें तो लोगों का मंगल करने के लिए ही उठें, इसी में ही सबका भला है। राहु महाराज वक्री चाल चलते हुए वक्री बुद्ध के साथ वृषभ राशि में विराजमान है इस समय पर। सूर्य देवता मिथुन राशि में विराजमान है। मंगल देवता अपने दुश्मन के घर यानी कर्क राशि के अंदर विराजमान है। शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि में केतु महाराज वक्री घूमते हुए विराजमान है। मकर राशि में शनि महाराज वक्री चाल चलते हुए विराजमान है। आज चंद्र देवता कुछ समय के लिए धनु राशि में विराजमान रहकर बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि देव के साथ जाने की वजह से शनि देव वहां पर पहले से ही वक्री अवस्था में मौजूद है, तो विष योग का निर्माण करेंगे। धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलते हुए विराजमान है, उल्टे घूम रहे हैं, पांच पांच ग्रह उल्टे घूम रहे हैं। मंगल देवता नीच के हैं, ऊपर से चंद्र देवता भी विष योग बनाने वाले हैं। यही सारे ग्रह हमें दंडित करने के लिए आते हैं, हमारे बुरे कार्यों के लिए, हमारे पाप कर्मों के लिए। इसीलिए तो बार बार आपको याद दिलाता हूं, कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिसमें राष्ट्र का द्रोह होता हो, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगे। आतंकवाद से संबंधित किसी भी व्यक्ति को दूर दूर तक भी समर्थन देने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति सरकारी संपत्तियों की किसी भी प्रकार से हानि करते हैं, चाहे वो अनाज को गोडाउन में ना रखकर खुले में रखकर सड़ाने वाले सरकारी कर्मचारी क्यों ना, उनकी निंदा करने से कभी मत डरो, क्योंकि वो अंततः सरकारी संपत्ति का ही नुकसान कर रहे हैं। सरकार द्वारा खरीदे गए धन धान्य का नुकसान कर रहे हैं, चाहे वो मिलावट खोरी करने वाले व्यक्ति हों,
चाहे नकली दवाओं का कारोबार करने वाले व्यक्ति हों, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले भ्रष्टाचारी हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का या समाज का किसी भी रूप में बुरा करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उन सभी व्यक्तियों को अंततः अपने बुरे कार्यों का दंड मिलता ही मिलता है। मैं नहीं देता, ये नवग्रह देवता जो अपनी 18 आंखों के साथ हर व्यक्ति के ऊपर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि रखे हुए हैं, वो किसी को माफ नहीं करते। उनके यहां माफी का तो कोई उसूल ही नहीं है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इस जन्म में नहीं कट पाया तो अगले जन्म में कहीं भिखारी जैसे किसी परिवार में जन्म लेकर, कटोरा हाथ में लेकर, या फिर बीमार दीनहीन मलिक मलिन और दिव्यांग बालक के रूप में जन्म लेकर अपने पापों का बोझा आपको अपने ही सिर पर ढोना पड़ेगा। और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप यही नवग्रह देवता आपको राजा जैसे परिवार में जन्म दिलाकर लुत्फ दिलाते हैं दुनिया के समस्त सुख सुविधा और ऐश्वर्य का। अब आप सोचिए क्या करना चाहते हैं। मेरे भक्तगणों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी लॉन्च की है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और इस मोबाइल ऐप का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप इस लिंक पर जाकर अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए हमारी मोबाइल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही मोबाइल ऐप के थ्रू आप रिप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आज चर्चा करूंगा लोन के बारे में। आज हमारे देश की स्थिति जो विकट और लॉकडाउन के कारण पिछले 2 सालों से जो माहौल बन गया है, जितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उस सब स्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति पैसे की धन की कमी का शिकार है, और उस धन की कमी को पूरा करने के लिए लोन लेता है, मुंह मांगे ब्याज पर लोन लेता है। यहां तक कि जो लोग हमें बताते हैं कि वो एक दिन के 2% भी दे देते हैं। अगर कोई व्यापारी एक दिन के लिए कोई लोन लेता है तो लोग उसे 2% तक भी चार्ज कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं ना, 1 महीने में 60% मुनाफा, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए 1 महीने में किसी को दिए तो आपको 60,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और नॉर्मल जो ब्याज वो लोग लेते हैं इन लोगों से, मतलब इसके अलावा जो दूसरी तरह का जो ब्याज चल रहा है वो 10% महीने का चल रहा है। कोई 8% पे लेता है, कोई 10% पे लेता है, कोई 5% पे लेता है, लेकिन अमूमन जो देखा गया है वो सबसे ज्यादा ब्याज 10% पर लेने वाले हैं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए किसी को दिए तो 10 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी आपके 1 लाख की जगह आपके पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे। इस प्रकार से इन परेशान गरीब मजबूर और लाचार लोगों का शोषण हो रहा है, और उसके बावजूद भी इनकी जरूरतें क्योंकि पूरी नहीं होती हैं, तो एक लोन को उतारने के लिए अभी उसकी ब्याज देनी है तो दूसरा लोन पकड़ लेते हैं, अगले महीने फिर ब्याज देनी है फिर तीसरा लोन पकड़ लेते हैं। और इस प्रकार से लोन के ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिससे पार पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ मोबाइल एप्स जो सुना गया था चाइनीज कंपनियां चला रही हैं, और अभी न्यूज में भी उसका जिक्र था कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप लोगों को लोन के लिए आकर्षित किया जाता है, और वो 4-4, 5-5% का ऐसा कठोरतम लोन और वो देते हैं जिसको चुकाना नामुमकिन ही होता है। वैसे तो वो 10% और 8% वाला लोन भी चुकाना नामुमकिन है। अगर ये मुमकिन होता तो गवर्नमेंट क्यों
एक साल में 1 लाख रुपए पर 5,500 या 6,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देती है, 1 साल की ब्याज देती है वो। गवर्नमेंट 1% भी ब्याज देने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ब्याज होगा उतना ही चुकाना असंभव होता चला जाएगा। तो ऐसे ही जो 10%, 8%, 6% पर जो लोन लेते हैं या 5% पर लोन लेते हैं, उसे चुकाना असंभव ही होता है। अंततः क्या होता है, आप अपनी प्रॉपर्टियों को बेचकर उस लोन की भरपाई करते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो लोन के दलदल के शिकार होने वाले हैं, अभी बचे हुए हैं या हो भी चुके हैं, तो उनको बेसिकली करना क्या चाहिए? मैं इस बात के मेन मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर आपकी अपने ग्रह मजबूत हो, जिसमें आमदनी का ग्रह प्रमुख है, आपके भाग्य का ग्रह मजबूत है, तो अगर आपकी आमदनी और भाग्य का ग्रह मजबूत होगा और आपका बेसिक ग्रह भी मजबूत होगा, यानी लगन का मालिक या राशि का मालिक, ये दोनों मजबूत होंगे, तो आप लोन के दलदल में फंसेंगे ही क्यों? ये चार अलग अलग प्लैनेट, या हो सकता है कई बार ये तीन भी हो जाते हैं, क्योंकि एक ही प्लैनेट अगर दो जगह को रिप्रेजेंट करता है तो तीन ही प्लैनेट रह जाते हैं। तो ये चार प्लैनेट ही मानता हूं मैं इस समय। तो चार प्लैनेट आपको कभी भी लाइफ टाइम में लोन के दलदल में फंसने नहीं देंगे। और भूले भटके आप फंस गए तो किसी अच्छे कार्य के लिए करेंगे, यानी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जिसमें गारंटीड आपका व्यापार बढ़ेगा। और बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आप अपने लोन को चुका भी देंगे, क्योंकि जब आपकी आमदनी का ग्रह ठीक है तो आपको ठीक ठाक आमदनी देता रहेगा। जब आमदनी ठीक ठाक है तो आपको फर्दर लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उस लोन की किस्तें आसानी से चुका सकेंगे। भाग्य का ग्रह मजबूत है, यानी आपका भाग्य आपको ऊपर नीचे नहीं होने देगा कहीं भी, मतलब स्टेबिलिटी बना के रखेगा, और करेगा तो आपको ऊपर ही ले जाएगा, तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ाएगा। तो भाग्य को मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपके बेसिक प्लैनेट, आपका बेसिक प्लैनेट आपके शरीर का प्लैनेट यानी आपकी लगन, और आपका कर्म का प्लैनेट यानी आपकी राशि का मालिक, अगर ये दोनों भी साथ में मजबूत हैं तो आपको लोन के दलदल में फंसने ही नहीं देंगे। अब आप इसके लिए क्या करें, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन ग्रहों को मजबूत करें। और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपना चेहरा दिखाकर अपनी परेशानी के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपने इन ग्रहों को मजबूत करें। निश्चित ही आपको ऐसा करना लाभ देगा और आप लोन के दलदल में नहीं फंसेंगे, या अगर फंसे भी हुए हैं तो जल्दी ही बाहर निकलने के रास्ते बनने लगेंगे। अगर आपको जिसका आप जो मनी लेंडर है, जो आपको लोन देता है, अगर आपको धमकाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास इलाज है। आप घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय है उसके लिए, जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तैयार किया जाता है, उसे धारण करने से वो जो मनी लेंडर है वो आपको धमका नहीं पाएगा, आपको डरा नहीं पाएगा। 100 गुंडों की फौज भी लेकर आएगा तो आपके चेहरे पर शिकन भी नहीं आएगी, आप डरेंगे ही नहीं, उल्टा उन्हीं लोगों को आपसे डर लगेगा। मैं ऐसी व्यवस्था भी आपके लिए कर सकता हूं, आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से या प्रश्न कुंडली या चेहरे के माध्यम से। लेकिन किसी की खराब नीयत के लिए मैं आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने लोन लिया है तो चुकाइए जरूर, अगर मजबूर है नहीं चुका पा रहे तो थोड़ा टाइम एडिशनल ले लीजिए, लेकिन किसी को नाजायज मत सताइए। आप उससे बात करिए, उसका मूल तो वापस करिए, सूद के लिए उससे लड़िए, बात करिए कि सूद आप ज्यादा ले रहे थे, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन आप किसी का पैसा मार लें उधार लेकर, मैं उस बात को भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप उसका मूल ही खा जाए।
और इनके लिए जो उपाय करने पड़ेंगे वो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करिए। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं, आपकी परेशानियों को समझकर। आपको अवश्य ही घर बैठे चाहे पूरी दुनिया में कहीं क्यों ना रहते हो मदद पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मेष राशि वाले व्यक्तियों, ये जो परिवारजनों का साथ है वो आपको नहीं मिल पाएगा, फिर भी आपके भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के लिए वो अपना पूरा पूरा सपोर्ट देंगे। माता से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, उनकी बद्दुआएं आपको बहुत परेशान कर देंगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में मन लगा सकते हैं, मगर वो अपने भाई बहनों की हेल्प लेंगे तो उनको और ज्यादा लाभ होगा पढ़ाई लिखाई के मसले में। यहाँ आपका जीवन साथी आपका बाहुबल बनकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आपके पास जीवन साथी अभी तक मिला ही नहीं है, मतलब भगवान ने व्यवस्था नहीं की है, आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो भाई बहनों के माध्यम से शीघ्र ही आपको जीवन साथी मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाग्य में बैठे हुए चंद्रदेव निश्चित ही अपना आशीर्वाद आपको अवश्य देंगे, किंतु कार्यस्थल पर परेशानी आएगी। पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला है। प्रेम संबंधों को मजबूती लाने के लिए भी आप अपने भाई बहनों का सपोर्ट ले सकते हैं, साथ लेकर अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यहां बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, आपके सिर पर जो ग्रहण योग बना हुआ है वो आपको उलझनों में डालने वाला है, बुद्धि का ह्रास करने वाला है। सावधान रहें, सतर्क रहें, फिर भी परिवारजनों की मदद से आपको नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट या व्यापार में लाभ होने के पूरे पूरे अवसर हैं। अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लेकर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, किंतु भाई बहनों से झगड़ा किसी भी कॉस्ट पर नहीं करना है। माता का आशीर्वाद भी आपको पूरा पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, मेरे गारंटी वाले उपाय करवा लो अभी भी अपने बच्चे के लिए। हर साल एक बार करना होता है ये उपाय, गारंटी से बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। चाहे वो सीए के पेपर दे रहा हो, चाहे दूसरी क्लास में पढ़ता हो, चाहे एमबीबीएस एमडी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे नॉर्मल आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा हो, आईएएस आईपीएस आईआरएस की तैयारी कर रहा हो, बीएससी एमएससी कर रहा हो, तो हर एक बच्चे के लिए मैं गारंटी देता हूँ, रिटर्न में लिख के ले लीजिए आप मुझसे कि अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर जीवन साथी के साथ परेशानी आ सकती है, उनके क्रोध से बचने का प्रयास करें। यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु भाग्य आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो कॉलेप्स हो सकते हैं, बिखर सकते हैं। अपने ग्रहों को मजबूत करिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के थ्रू मुझसे चर्चा करके मेरी मदद ले सकते हैं। यहां बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह और आपकी चिंता फिगर आपको परेशानी में डालने के लिए काफी है। ऊपर से कोरोना की ये महामारी आपको घेरने का प्रयास करेगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। साथ ही मगर आपको गुड चांस भी है नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू में सफलता, कोई मनचाहा ट्रांसफर या आपको व्यापार में उन्नति के अवसर बनते हुए नजर आ रहे, इस अवसर को ग्रैब करने का प्रयास करिएगा। परिवार वालों से किसी भी प्रकार से झगड़ा करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आपके भाई बहन आपको फुल टू फुल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। माता से झगड़ा करने का प्रयास करना आपको उनकी बद्दुआएं लेना बर्बाद कर देगा, ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा तो है, लेकिन साथ साथ विपरीत सेक्स के जंजालों में उनके आकर्षण में फंस कर उनको बुद्धि खराब हो सकती है। सावधान रहें, ध्यान रखें माँ बाप, और हमारी मदद लेकर उन्हें इस परेशानी से निकालने का प्रयास करें। यहाँ पर अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने जीवन साथी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जो जीवन साथी अभी तक आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहे थे, अचानक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी भाग्य की दृष्टि से, और एक यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके रिश्ते की कोई बात चल रही है, शादी नहीं हुई है, तो जो बात चल रही है वो खराब होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाग्य के मालिक का अष्टम हो जाना, वक्री होना अच्छा तो संकेत नहीं है, फिर भी आप जितना अपने आप को अपने ग्रहों को मजबूत कर लेंगे, इस परेशानी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। कार्यस्थल के मालिक का भी वक्री हो जाना
और भाग्य में बैठ जाना आपके भाग्य को खराब करेगा, यानी आप अपने क्रिया कार्यकलापों की वजह से अपने भाग्य को खराब कर लेंगे, अपनी हरकतों की वजह से आप अपने भाग्य को ही खराब कर लेंगे। बहुत सावधान रहिएगा, आपको कार्यस्थल पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे बॉस हो, चाहे साथी कर्मचारी हो, चाहे कलीग हो, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हो। सावधान और सतर्क हमेशा बने रहिएगा। प्रेम संबंधों में कोई परेशानी हो या अपने आप को मजबूत करना हो, बिना किसी से की स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे मदद लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। मैं बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, इस समय विशेष पर आपके आत्मबल में कमी होगी, बीमारी की संभावना और विशेषकर सांस से संबंधित परेशानी आपके सामने आ सकती है। सतर्क रहें, सावधान रहें। आपका क्रोध वैसे ही साथ में आसमान पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो युवक युवती हैं, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट या व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, उनके एकदम निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सभी लोग भूसके ढेर में, यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए भूसके ढेर में लठना बजाए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रॉपर उपाय के द्वारा आप अपने लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल सकते हैं, बशर्ते भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनाया हो, चाहे छोटा सा ही बनाया हो। यहां बात करूंगा, माता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनसे झगड़ा करना आपकी बर्बादी का कारण और परेशानी का कारण बन सकता है। भाई बहन जो स्टूडेंट है, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान दें, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैरियर कैसे बनेगा। स्कूलों में मोटी फीस देना से कैरियर नहीं बनता है, कोई स्कूल गारंटी नहीं देता कि आपके बच्चे के हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलवा देगा या आपके बच्चे के मन को पढ़ाई लिखाई में लगा देगा। कोई भी स्कूल ऐसी गारंटी नहीं देता, चाहे आप उसे 50,000 रुपये महीने की फीस ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन मैं तो गारंटी देता हूं, आप मुझे खराब से खराब बच्चा दीजिए, मैं उसको ठीक करने की जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं उसे ठीक करके दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करूंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय करूंगा जो साल में एक बार करना है, बस उसी से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। यहाँ आपका अगर शादीशुदा नहीं है तो जो रिश्तों की बात चल रही थी वो खराब होती हुई नजर आ रही है, और शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम तो आनी आनी है समय विशेष पर, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। ऐसे सभी दंपत्ति जो अपने गृह कलेश से परेशान है, बिना किसी से के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो। यहाँ बात करता हूँ आपके भाग्य के देवता का अष्टम हो जाना और वक्री होना थोड़ी सी परेशानी का सामना कराएगा, तो अपने आप को मजबूत करिए। आप कहीं से भी आप ना, आपकी जन्म कुंडली इस समय विशेष पर मजबूत है। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो परेशानी का सामना कैसे करेंगे? आमदनी को खराब करने के लिए वैसे ही आपके ग्रह वहां पर पहले से ही बैठे होंगे कि आपकी जो भी आमदनी उसे खराब कर दिया जाए अड़चन डालने के लिए, और कार्यस्थल पर वैसे ही प्रॉब्लम आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी, सही सही निर्णय आप ले नहीं पाएंगे, अंततः परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है तो और ज्यादा परेशानी होगी। प्रेम संबंधों में वैसे ही अड़चन आ रखे, लड़ाई झगड़े हो रखे, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी से किसकी बराबर नंबरों पर हमसे संपर्क करके अपनी परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं, अगर आप जल्द उससे ज्यादा परेशान है तो। यहाँ पर बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह आमदनी में बैठकर आपकी आमदनी में वृद्धि कर रहा है, और साथ ही साथ एक चांस बना रहा है नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के अवसर, धन का लाभ, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास करिएगा। आपके लिए समय अच्छा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, अनावश्यक क्रोध आपकी का नुकसान करेगा। यहाँ पर माता के साथ भी झगड़ा नहीं करना, माता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करिएगा जितना भी संभव हो। पिता का आशीर्वाद और माता का आशीर्वाद सदैव कार्य आता है, सदैव आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। अगर आप अपने नालायक संतान से परेशान हैं जो आपका अपमान करती है, चाहे वो उसकी उम्र 15 साल है या 55 साल है, तो भी आप परेशान मत होइए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके और आपकी संतान के मध्य में प्रेम संबंधों को पुनः मजबूत कर देते हैं। जो बच्चा आपका अपमान करता है वो फिर से सम्मान करने लग जाता है, और ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय है जो आपकी जन्म कुंडली देखकर किया जाता है। लाभ उठाइएगा जरूरत पड़ने पर। और यहां बात करूंगा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की, आपके स्वास्थ्य की, थोड़ा सतर्क और सावधान रहिएगा। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है या आपको कोई क्रोनिक डिसीज इस समय पर आपको अचानक से परेशान कर सकती है। यहाँ पर चर्चा करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। तो जो रिश्तों की बात चल रही थी वो खराब होती हुई नजर आ रही है, अगर आप शादीशुदा
नहीं है तो कार्यस्थल पर भी उलझने और अड़चने आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी, और भाग्य बिल्कुल भी आपको सपोर्ट कर ही नहीं रहा। भाग्य की वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अपनी परेशानियों से पार पाने के लिए जो सबसे आसान उपाय है कि अपने आप को मजबूत कर लीजिए, अपने ग्रहों को इस कदर मजबूत कर लीजिए कि वो आपका बुरा होने ही ना दें। बहुत आसान तरीका है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे संतों ऋषि मुनियों ने जो अपनी महानतम खोजें गई थी अपनी वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप, वो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित है। पूरा जो आयुर्वेद है वो भी धर्म ग्रंथों में ही अंकित है। इनका फायदा उठाइएगा और अपने आपको परेशानियों से बाहर निकालिएगा। जरूरत पड़ने पर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमारी मदद लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह जब वक्री होकर भाग्य में बैठेगा तो कहीं ना कहीं भाग्य को नुकसान करेगा। ऊपर से राहु महाराज भी वहीं बैठे हुए हैं, तो पहले तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए। राहु महाराज को भी ठीक करिए, बुध देवता को भी ठीक करिए, भाग्य के देवता को भी ठीक करिए, क्योंकि असली जगह के मालिक तो भाग्य देवता है। फिर भी आपके लिए गोल्डन चांस है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के अवसर बन रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर कर लीजिएगा। आपका बाहुबल यानी आपके भाई बहनों के साथ झगड़ा करना आपके लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं है। माता का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप कृपया करके ध्यान दें। साथ ही साथ उन निसंतान दंपतियों की बात कर रहा हूँ जो बार बार मिसकैरेज की पीड़ा से परेशान है, डॉक्टरों से सालों से इलाज करा रहे, कोई लाभ नहीं हो रहा। वो दंपति छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करके लाभ उठा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के अनुसार और मिसकैरेज को रोक सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाया है, लाभ दिलवाया है और उनके घर आज संतान खुश होकर खेल कूद रही है। आप भी लाभ उठाइएगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों की जिनको मिसकैरेज हुआ ही नहीं है, यानी गर्भधारण ही नहीं हुआ। ऐसे सभी लोग अगर भगवान ने उनकी जन्म कुंडली में 1-4% संतान प्राप्ति का योग है तो उसी योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। छोटे से उपाय जो साल में एक बार ही तो करने होते हैं, और बेटर है कि 3 साल वाला उपाय कर लीजिए। एक ही बार करना है, 3 साल में तो अवश्य फल प्राप्त हो ही जाएगा, आपको संतान प्राप्त हो ही जाएगी। अगर भगवान ने 2-4% भी आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग लिखा हुआ है। यहां पर बात करूंगा जीवन साथी के साथ कुछ अड़चनें आ सकती हैं, कुछ परेशानी आ सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य तीनों का ही ख्याल रखिएगा। यहां पर बात करता हूं भाग्य की हालत तो अनुकूल है ही नहीं। कार्यस्थल जरूर आपको लाभदायक स्थिति में पहुंचा रहा है किंतु आमदनी में आपको नुकसान हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए बिना किसी झिझक के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे द्वारा दिए गए छोटे छोटे उपायों से फायदा उठाने का प्रयास करें। मेरा नाम मोनिमा चटर्जी। मैं ब्लूटूथ में देख के माता जी को मेरा अच्छा लगा तो फिर मैंने फोन किया तो बात किया, बहुत अच्छा लगा। फिर माता जी ने मेरे को रिंग पहनने के लिए बोला तो करने के बाद मैं तो खुशी हूँ और ऐसा लग रहा है अंदर से जैसा विश्वास एक आ गया मेरे लिए। अब लगता है जब सब कुछ यहीं से सब ठीक हो जाएगा। बस जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना खुश हुई मेरा अंदर से। मतलब पहले जैसे मैंने थी ना छोटी उम्र में, अब इसी उम्र में मेरे को लग रहा है मैं छोटा बचपन से आ गया मेरे को लटके, बिल्कुल बचपन की तरफ लग रहा है ये पहनने के बाद, अंगूठी पहनने के बाद मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ बात करूँ मैं तुला राशि वाले व्यक्ति के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपका जो ग्रह है वो आपके भाग्य में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहा है। लाभ उठाइएगा इस समय विशेष पर। साथ ही साथ एक योग बन रहा है नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति का, लाभ उठाइएगा। हाथ से ना निकल जाइए मौका, मजबूत बनाकर इस पर टूट पड़िएगा ताकि ये लाभ आपको अवश्य मिल सके। यहाँ पर परिवार जनों से झगड़ा नहीं करना है और माता के साथ माता की देखभाल करनी है, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे भी झगड़ा नहीं करना है। अगर ऐसा किया आपने तो आपका मकान और आपके वाहन पर खतरा आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाएंगे, माता पिता ध्यान दें।
बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या कैरियर बनेगा उसका? हमारी गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठाइएगा यहाँ पर। अगर आप शादीशुदा नहीं है अभी तक, तो जो आपकी शादी के रिश्तों की बात चल रही थी वो खराब होने की संभावना बन गई है। और अगर शादीशुदा है तो आप अपने जीवन साथी के क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। आपका जीवन साथी आपके लिए आपके कार्यस्थल पर परेशानी खड़ी कर सकता है, उनकी वजह से परेशानी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। अष्टम राहु आपके लिए परेशानी का सबब अलग से बुद्ध देवता के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है, किंतु यहाँ आमनी की बात करें तो आमनी के देवता क्योंकि भाग्य में जाकर बैठे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाएंगे। अपने आप को मजबूत करने का कोई भी प्रयास कभी मत छोड़ना। जब भी आपको कोई मौका मिले अपने ग्रहों को इस कदर मजबूत कर लीजिए कि वो आपका बाल बांका ना कर सके। और जब भी ग्रह देवताओं के हाथ उठे तो आपको आशीर्वाद देने के लिए उठे। और यहां मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण के आपका ग्रह खराब होकर जब भाग्य में जाकर बैठेगा तो भाग्य की हानि करता हुआ नजर आ रहा है, यानी आप भी गए और आपका भाग्य भी गया, दोनों तरफ से आपको मार हुई है। ऊपर से आपका क्रोध ऐसा कि आप इस चीज को तोड़ दो, इसे उठा के पटक दो, इसे फेंक दो। अरे कंट्रोल करो भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। परिवारजनों के साथ यात्रा की संभावना बन रही है, मगर भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना है। भाई बहन तो आपके बाहुबल हैं, अगर वो परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो उनको मदद पहुंचाइए, उनको देखिए उनको किस मदद की जरूरत है। और यहाँ पर माता का आशीर्वाद आपके बेहद काम आने वाला है। माता का आशीर्वाद लेकर चलिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माता की बद्दुआ आपके मकान को या आपके वाहन को बंटाधार करा सकती है। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? मेरे गारंटी वाले उपाय लेकर लाभ उठाइएगा इस सुविधा का। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके। अगर आपके जीवन साथी की मैं बात करूं तो आपके जीवन साथी के साथ कुछ परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए, उनके क्रोध से उनकी उलझनों से निपटने का प्रयास करिएगा। वैसे ही आपका अपना ग्रह ठीक नहीं है, ऊपर से आपकी बदनामी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, और जो युवक युवतियाँ नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट का रास्ता देख रहे थे, व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, उनको निराशा हाथ लगेगी। कार्यस्थल पर भी आपको परेशानियां आएंगी, बॉस से, साथी कर्मचारियों से, कलीग से या अधीनस्थ कर्मचारी, या व्यापार में घाटा या नुकसान हो सकता है, सावधान रहिएगा। आमदनी के हालात भी अच्छे नहीं है, तो जितना आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं उतना अवश्य करने का प्रयास करिए। अगर आपके ग्रह मजबूत होंगे तो ये परेशानियां जो उनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था आपके आसपास से गुजर जाएंगी, आपको कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा सकेंगी। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में जो परेशानी आ रही है उसको भी दूर करने का प्रयास करिएगा। वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठाइएगा। बात करूंगा धनुराशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनुराशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह जब वक्री होकर आपका बाहुबल बनेगा तो भाई बहनों के साथ भी प्रॉब्लम देगा और आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अपने आप को मजबूत करिए। ऊपर से आपका क्रोध सातवें आसमान पर चल रहा है आजकल। एक तरफ से शनि भगवान क्रोधित करा रहे हैं, एक तरफ से केतु महाराज क्रोधित करा रहे हैं, फिर भी चंद्रमा की शीतलता आपको धैर्य बनाए रखने का मदद देने का भरपूर प्रयास करेगी। यहाँ पर माता का भी आशीर्वाद देने का प्रयास करेगा, उनसे भी झगड़ा बिल्कुल भी मत करिएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, धनु राशि वालों व्यक्तियों के या बच्चों के, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अपने करियर का ही पिया पाचा कर लेंगे। अभी से मजबूत कर दीजिए, चाहे आपका बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो। मैंने भी अपने बच्चों के साथ ऐसा किया था दूसरी तीसरी क्लास से, आज वो कम से कम मेरा नाम को रोशन करने लायक तो बने। कि 22 साल की अवस्था में उनको उसमें 47 लाख रुपए का कंपनी का ऑफर आता है, मल्टीनेशनल कंपनी का, मात्र आज उसकी उम्र 22 साल है और वो 47 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि वो हैदराबाद वहां ज्वाइनिंग थी, हालांकि काम तो अभी सभी कंपनियां घर से बैठकर करा रही हैं, लेकिन वो हैदराबाद जाना ही नहीं चाहता कि बाद में भी हैदराबाद जाना पड़ेगा जब हालात ठीक हो जाएंगे कोरोना से, तो उसने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। मगर नाम तो तब भी मेरा ही रोशन हुआ ना। मेरा 22 साल का बच्चा अगर 47 लाख रुपए का ऑफर किसी कंपनी से लेता है तो नाम मेरा ही रोशन होगा। यहाँ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का
और हालात से बचने का प्रयास करिएगा। कोरोना की इस महामारी में कोई भी प्रॉब्लम अचानक से आके आपको खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए इस स्थिति में आकर। और बाहर निकलते समय विशेष रूप से चोट इत्यादि का विशेष ख्याल रखें, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट आदि की संभावना बन सकती है, कार्यस्थल पर भी परेशानी होगी, नो बॉस के द्वारा, साथी कर्मचारियों के द्वारा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आप परेशान हो सकते हैं, कलीग्स आपको परेशान कर सकते हैं, आपका बॉस आपको परेशान कर सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोई ज़्यादा परेशानी होने पर बिना किसी चीज के इसकी भी आए नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके लाभ उठाइएगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति आपका अपना करें, जब बकरी होकर आपकी राशि में यानी सिर पर ही बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा, अपने ग्रहों को मजबूत कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। परिवारजनों से झगड़ा मत करिएगा, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करिएगा। हालांकि ग्रह तो वो भी ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम तो वहां पर भी आएगी आएगी। माता के साथ भी प्रॉब्लम आएगी, ग्रह तो वो भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रह तो वो भी ठीक नहीं है। ऊपर से लंग्स की प्रॉब्लम, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम अचानक से आकर खड़ी हो जाएगी। अरे कौन बनना चाहता है नामर्थ, या कौन लेना चाहता है फीमेल डिसऑर्डर्स, कौन स्त्री चाहेगी कि उसे फीमेल डिसऑर्डर हो, बीमारियां लगे। तो ग्रह के हालात कह रहे हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने ग्रहों को जितना मजबूत कर लेंगे तभी इन परेशानियों से पार आएंगे, वरना तो दवाइयों के चक्कर काट काट कर दवाइयां खा खा कर परेशान हो जाएंगे, आधे पागल हो जाएंगे एक प्रकार से। यहाँ पर भाग्य के हालात भी अनुकूल नहीं है, भाग्य आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, बकरी घूमता हुआ बुध आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं दे रहा है। ऊपर से कार्यस्थल के हालात में भी प्रॉब्लम आएगी, नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, चाहे बॉस करे परेशान चाहे कर्मचारी करे परेशान, करना उन्होंने परेशानी है। अनावश्यक यात्रा से बचने का प्रयास करें, प्रेम संबंधों में खुशियां लाने का प्रयास करें। परेशान ज्यादा हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे चर्चा करें वीडियो कॉल पर आमने सामने बैठकर, और अपनी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। यह बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके सिर पर बकरी देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और साइड में बकरी शनि बैठे हुए हैं। अब दोनों जने बकरी हैं तो थोड़ी थोड़ी परेशानी तो दोनों ही गई है। मेनली तो बृहस्पति देवता ज़्यादा परेशान करेंगे, तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। माता से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेगा, माता का आशीर्वाद आपके काम आ सकता है, झगड़ा आपकी दुर्गति करा सकता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और उस अच्छा करने के प्रयास में उनके चांस जो बनने, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट, व्यापार में उन्नति के अवसर, या मनचाहा ट्रांसफर जैसी चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं उन सभी युवक युवतियों के जो इसकी आकांक्षा रखते थे, इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। मगर हाइपरटेंशन से बचना है, ब्लड इन्फेक्शन से बचना है, टिश्यूज की प्रॉब्लम या चोट लगने की संभावनाओं से बचने का प्रयास करें। जीवन साथी निश्चित रूप से इस समय आपको मदद करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें अगर आप शादीशुदा हैं, और शादीशुदा नहीं है तो इस समय आपके प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। प्रयास तो करके देखो, घर वालों को बताओ तो सही आप उससे प्रेम करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, शायद आपके घर वाले ही मान जाए, समय तो ऐसा चल रहा है। और यहाँ पर भाग्य की बात करूं तो भाग्य के देवता निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु कार्यस्थल पर परेशानी अवश्य आपको विचलित करेंगी, परेशान करके रखेंगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खर्चों से बचने का प्रयास करिए, अनावश्यक यात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकती है, उस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति आपका अपना करें, जब बकरी ऊपर राशि से ट्वेल्थ बैठेगा तो कुछ अड़चन तो देगा ही देगा, ज्यादा नहीं देगा तो कुछ तो देगा ही देगा। तो यानी आप कमजोर हुए, ऊपर से आपके जो बाहुबल है यानी भाई बहन है वहां पर भी प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है, सावधान रहिएगा। विशेषकर आपकी बहनों के साथ आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यहाँ पर माता का आशीर्वाद आपको गुड न्यूज दे रहा है, वेरी गुड न्यूज दे रहा है, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के चांस पर आ रहा है। इस अवसर को ग्रैब करिएगा, हाथ से मत जाने देना। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप से फिर से कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगा दूंगा। साल में एक उपाय करूंगा छोटा सा बस, अब मर्जी आपकी है, स्कूल पर विश्वास करो या मुझ पर करो, स्कूल ने तो कुछ करके देना नहीं है,
स्कूल में तो जितने बच्चे 10-12-14% जो बच्चे हैं वो ही आते हैं 90% प्लस में, मेजर बच्चे तो 60% के आसपास हर एक स्कूल में ही रहते हैं, और जितने 90% प्लस आते हैं उतने ही 30-40% के आसपास भी घूमते हैं, और बाकी के बच्चे इन सब के बीच में घूम रहे होते हैं। तो स्कूल वाले इसमें कुछ नहीं योगदान दे सकते हैं, ग्रहों को स्कूल वाले ठीक नहीं करते हैं, वो अपने ग्रह की जब जरूरत होती है तो बड़े बड़े स्कूलों के जो ओनर हैं वो भी हमारे पास आकर अपनी परेशानियों के लिए खड़े होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं दिल्ली के ही पब्लिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो रोहिणी की दो दो स्कूलों के ओनर हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, जो जनकपुरी में स्कूलों के ओनर हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के डीन, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर भी हमारे पास आ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के भी बहुत सीनियर मोस्ट पर्सन भी हमारे पास आ चुके हैं, और जो जो स्टूडेंट्स को MBA क्लास कराते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, प्रोफेसर हैं MBA के, वो भी हमारे पास अपनी परेशानियों के लिए समय समय पर आते रहे हैं। तो आप अपने आप को जितना मजबूत कर लेंगे, अपने ग्रहों को जितना मजबूत कर लेंगे, उतना ही लाभ उठा सकते हैं, जीवन साथी के साथ परेशानी आ सकती है। और आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।